HP लैपटॉप्स अंडर 20,000 टू 2 लाख। तो भाई अगर आपका बजट 20,000 है, 20,000 से लेकर अगर आपका बजट 2 लाख है, इस प्राइस रेंज में आप HP के लैपटॉप की और ही जाना चाहते हो, कोई और ब्रांड की और अगर आप नहीं जाना चाहते तो भाई ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डॉबिनॉस, वेलकम टू दी ओजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, अभी बात करते हैं अगर आपका बजट 20,000 से लेकर 30,000 इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका बजट 20,000 से लेकर 30,000 है इस प्राइस रेंज में, मैंने दो लैपटॉप को रखा, दोनों को कंबाइन कर दिया, बिकॉज इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सही लैपटॉप ये दोनों मिल जाते हैं। तो भाई अगर आपका बजट कम है एंड अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, MS ऑफिस पे काम करना है, आप इन दोनों लैपटॉप्स की ओर जा सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ HP Chrome 14A की एंड HP 245G7 की, ठीक है। अगर मैं बात करूं HP Chrome की, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये 30,000 के बजट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सिल्वर कलर में देखने को मिलता है, प्लस आपको टच डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट वगैरह भी मिल जाएगा, 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। एंड Chromebook की खासियत की मैं बात करूँ तो भाई अगर आपके पास इंटरनेट है तभी आपके लिए प्रोवाइडेड हो सकती है, बिकॉज इसके ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो इंटरनेट से ही यूज़ कर पाओगे आप, ठीक है। तो भाई अगर आपको इंटरनेट से काम करना पड़ता है आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। एंड भाई अगर आपको उससे फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता, इंटरनेट पे आप ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, आपने ऑफलाइन काम करना है, तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है HP 245G7। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ, ये लैपटॉप आपको 25,000 से लेकर 30,000 के बजट में मिल जाएगा। अभी बात करूँ मैं, इसमें आपको Ryzen 5 भी मिल जाएगा, आपको Ryzen 7 भी मिल जाएगा, ठीक है। ये आप पर है आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो, प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको DOS देखने को मिलता है, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब की, ठीक है। 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है, प्लस आपको कैमरा एंड माइक्रोफोन भी आपको बिल्ड इन मिल जाता है, बट वो इतने तगड़े नहीं होते, इतने प्राइस रेंज में आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कैमरा बहुत तगड़ा मिल जाए, आपको माइक्रोफोन बहुत तगड़ा मिल जाए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो भाई अगर आपने इन दोनों लैपटॉप की ओर जाना है आप जा सकते हो। मैं आपको मेन स्पेसिफिकेशन की बात थोड़ी सी बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 14-inch टच स्क्रीन मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको इंटेल N4020 देखने को मिलेगा, जो कि ठीक एवरेज प्रोसेसर कह सकता हूँ, इसको ना तगड़ा कह सकता हूँ, मतलब एवरेज प्रोसेसर है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 4GB रैम मिल जाती है, मतलब 30,000 के बजट में आपको 4GB ही मिलेगा, उसके ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने उसके ऊपर जाना है तो अपना बजट थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आपको 64GB HDD देखने को मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। बैटरी की बात करूं, आपको 5 to 6 hours का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस भी आपको 25,000 से लेके 30,000 के बजट में HP Chrome 14A देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं HP 245G7 की। तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 14-inch HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 220 nits की ब्राइटनेस के साथ आती है। तो यार डिस्प्ले वगैरह आपको ठीक मिल जाती है, ठीक है, बहुत अपर तो नहीं कह सकता, HD डिस्प्ले है, आप भी समझदार हो, बट आपको मतलब सही मिल जाती है, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलता है 3500U के साथ। एंड स्टोरेज की बात करूं, आपको 4GB रैम मिल जाती है, प्लस इसमें आपको SSD देखने को मिलेगी। SSD का बेनिफिट ये होता है, अगर डाटा वगैरह आप ट्रांसफर ज़्यादा करते हो तो आपके लिए बहुत सही होने वाली है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको Radeon Vega 8 देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको DOS देखने को मिलेगा, तो भाई आपको इंस्टॉल करवानी पड़ेगी जो विंडो है, ठीक है। बैटरी की बात करूं, आपको 4 to 5 hours का बैटरी लाभ मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस आपको 30,000 के बजट में HP 245G7 देखने को मिल जाता है। यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिया, अभी बात करते हैं दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो भाई अगर मेरा बजट भी 30,000 होता, मैं जाता HP 245G7 की ओर, बिकॉज उसके स्पेसिफिकेशन आपको ज़्यादा तगड़े मिल जाते हैं। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार 40,000 के बजट में आपको HP 14S देखने को मिल जाता है। तो यार अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, MS ऑफिस पे काम करना है, अगर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, प्लस अगर आप टीचर हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, कॉलेज में पढ़ाते हो, उसके बाद भाई अगर आपको MS ऑफिस पे काम करने के साथ साथ अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए भी चाहिए, आपने कोई हैवी फाइल पे काम करना है, आपके लिए भी परफेक्ट डील हो सकता है, आप जा सकते हो HP 14S की। और अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली मैं आपको बता देता हूँ।
तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को एएमडी राइजन 3 भी मिल जाएगा, इसमें आपको 5 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा उसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है, तो आप देख लेना, अगर आपने राइजन 3 की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने राइजन 5 की ओर जाना है आप जा सकते हो। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है, प्लस MS ऑफिस भी मिल जाएगा 2019 वर्जन, जो कि आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है अगर आपने इस पे काम करना है। बैटरी की बात करूँ आपको 7-8 आवर्स का बैटरी ला मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ आपको 40,000 के बजट में HP 14S देखने को मिल जाएगा, मॉडल नंबर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर लेना, अगर आपने देखना है तो देख सकते हो। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, अगर आप डीपली देखना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो, आप चेकआउट भी कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 50,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं, तो अभी बात करते हैं यार, अगर आपका बजट 50,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, आप जा सकते हो HP 15 की और या HP 15S की, और दोनों लैपटॉप आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। इसके भी मॉडल वगैरह बहुत आते हैं, मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा यार, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसमें आपको i3 भी मिल जाएगा, 4GB रैम के साथ भी आता है, 8GB रैम के साथ भी आता है, ठीक है। ये आप पर है, जितने आप पैसे पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते जाएंगे, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ, अगर आपने देखना है चेकआउट कर सकते हो, डीपली भी देख सकते हो। अभी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS पैनल डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूं आपको i3 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 4GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो। मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि आपको 8GB भी मिल जाएगा, 8GB के अपर भी अगर आपने इंस्टॉल करवानी है आप करवा सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड की बातों को इंटेल UHD ग्राफिक मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है, बैटरी लाइफ की बातों को 7 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूं इसका प्राइस भी आपको 40,000 के लेके आपको 55,000 के भी अपर थोड़ा सा जा सकता है, तो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका प्राइस ऊपर नीचे होगा, जो भी आपके बजट में सेट बैठता है, या जितने भी स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, जो भी स्पेसिफिकेशन मतलब अगर आपको चाहिए आप उसके और जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 60,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं, वो भी बात करते हैं, अगर आपका बजट 60,000 हो जाता है, 70,000 हो जाता है या 80,000 हो जाता है, तो इन तीनों प्राइसिंग को मैंने कंबाइन कर दिया, बिकॉज इस प्राइस रेंज में आपको तीन ही लैपटॉप देखने को मिलते हैं जो कि HP की ओर से बहुत अपर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, आर्किटेक्चर और प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, आपके लिए एक अलग लैपटॉप बताऊंगा। प्लस भाई अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है, गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, आपके लिए मैं अलग बताने वाला हूं। तो इस प्राइस रेंज में मैं आपको तीन लैपटॉप बताऊंगा। सीधी बात करते हैं नंबर 3 की, नंबर 3 पर यार मैंने रखा है HP Envy X360 को। तो अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, ये 360 डिग्री पूरा ओपन हो जाता है, प्लस आपको MS एक्टिव पेन भी देखने को मिलेगा, मतलब ये टच स्क्रीन है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, एनिमेशन करते हो, आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। प्लस भाई अगर आप आर्किटेक्चर हो, आप भी इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाए ये पूरा लोडेड आपको मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। डिस्प्ले की बात करूँ आपको 13.3 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि टच स्क्रीन है, प्लस MS एक्टिव पेन के साथ देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बातों को AMD राइजन 5 देखने को मिलता है 2500U के साथ। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आप अपग्रेड कर सकते हो, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको AMD Radeon Vega 8 देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 8 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 70,000 से लेके 80,000 से भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ये आप पर है कि आप कितना पे करते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की, नंबर 2 पर यार मैंने रखा है HP Pavilion X360 की। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, ये लैपटॉप भी पूरा 360 डिग्री ओपन हो जाता है, टच स्क्रीन मिलती है, ठीक है। इसमें आपको 8GB रैम भी मिल जाएगा, 16GB रैम वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। ये आप पर है, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बेस्ट है फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आप आर्किटेक्चर हो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपके लिए भी भाई। अगर आप स्टूडेंट ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, आपके लिए भी, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ, 14 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि टच स्क्रीन है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i7 मिल जाता है 8th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात करूँ आपको 16GB रैम मिल जाती है, प्लस 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को NVIDIA GeForce MX 2502GB मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूं आपको 10 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। प्राइस की बात करूं आपको 83,000 के बजट में HP Pavilion X360 देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस कम भी है, अभी अगर आप 8GB वेरिएंट के पास जाते हो उसका प्राइस आपको कम देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं नंबर 1 की, नंबर 1 पर यार मैंने रखा है HP Pavilion को। ये लैपटॉप पूरा लोडेड, अगर आपने
गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K ट्राई करना चाहते हो आपके लिए, ठीक है। अभी बात करते हैं डिस्प्ले की। आपको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS डिस्प्ले है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूं आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो 32GB तक, प्लस आपको 1TB HDD देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत अगड़ी होने वाली है। अगर आपने ज़्यादा स्टोरेज रखना है आप रख सकते हो। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको NVIDIA GeForce GTX 16504GB मिल जाएगा। इसमें आपको 16660Ti भी देखने को मिल जाएगा। जो भी आप ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो आप ले सकते हो, इसके मॉडल वगैरह बहुत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूं आपको 7 to 8 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको 60,000 से लेकर 70-75 के हज़ार में आपको देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन अभी मैंने आपको तीनों ही लैपटॉप्स के बता दिए, तीनों लैपटॉप आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। दो लैपटॉप आते हैं अगर आपने एक लाइक क्रिएटर्स काम करना है, एंड दो लैपटॉप आते हैं भी अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, गेमिंग करनी है, आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। तो यार अभी मैंने 80,000 तक आपको बता दिया। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,00,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। यार अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 85,000 से लेके 1,00,000 से थोड़ा सा अपर चल जाता है, तो इस प्राइस रेंज में भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ आप जा सकते हो HP Omen Core। अगर इस लैपटॉप की बात करूं लाइव स्ट्रीम के लिए बेस्ट माना गया, उसके बाद ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेस्ट माना गया, प्लस ये डुअल डिस्प्ले सपोर्ट करता है जो कि इसका प्लस पॉइंट आ जाता है। इसके स्पेसिफिकेशन और भी बहुत देखने को मिल जाते हैं, प्लस इसको लोगों ने बहुत पसंद किया भाई। जो इंटरनेशनल क्रिएटर्स है उनके पास भी आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा, बहुत तगड़ा है। अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। इसमें आपको 8GB भी मिल जाएगा, 16GB भी मिल जाएगा, मतलब जितना आप पे करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन इंक्रीज होते जाएंगे, प्लस आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है आप इस लैपटॉप पे नॉर्मली इजीली कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड की बातों को NVIDIA GeForce RTX 16504GB मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है, लेटेस्ट वर्जन 64-bit विंडो के साथ, ठीक है। बैटरी लाइफ की बात करूं आपको 7 to 8 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 85,000 से स्टार्ट हो जाता है, 2,00,000 के अपर भी इसका बजट चल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP Omen के भी। अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। यार मैं डीपली बता सकता हूँ, मैं नहीं बता रहा बिकॉज मेरी वीडियो की ज़्यादा लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, तो यार उसका कोई फायदा नहीं है। सो दैट्स वाई मैं आज आपको टॉप, मतलब हर एक प्राइस रेंज में मैं आपको टॉप लैपटॉप ही बता रहा हूँ। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,20,000 से लेकर 2,00,000 तक भी चल जाता है ना इस प्राइस रेंज में, अगर आपको एक HP का लैपटॉप चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,20,000 से लेकर अगर आपका बजट 2,00,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, मैं आपको कहना चाहता हूं भाई आप जा सकते हो HP Spectre X360 की ओर। अगर इस लैपटॉप की बात करूं आपको टच डिस्प्ले भी मिल जाएगी, अगर आपने उसकी ओर नहीं जाना आपको विदाउट टच स्क्रीन भी देखने को मिल जाता है, प्लस इसके साथ भी आपको एक HP पेन देखने को मिलेगा जिसके साथ आप यूज कर सकते हो। प्लस इसमें आपको 4K डिस्प्ले भी मिल जाएगी, फुल HD प्लस डिस्प्ले भी मिल जाएगी। जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे, आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले की बात करूं आपको 15.6 इंच 4K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि टच स्क्रीन है, जो कि HP पेन के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16GB रैम मिल जाती है, प्लस 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको GTX 16660 Ti 4GB के साथ मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं आपको 30 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप। प्राइस की बात करूं आपको 1,20,000 से लेके इसका प्राइस 2,00,000 तक भी जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP Spectre X360 के। अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको HP के लैपटॉप बता दिए, 20,000 से स्टार्ट किया था, 2,00,000 के बजट तक मैंने आपको टॉप लैपटॉप बता दिए। जो भी आपका प्राइस रेंज है, जो भी आपके स्पेसिफिकेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। जो भी मैंने आपको लैपटॉप बताया वो सच में अपनी प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा सही है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।